नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्य भादू, बच्चों का सर्जन, सूर्या हॉस्पिटल जयपुर से। मेरी सारी मेडिकल की ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से है और अभी मैं पूरा समय सूर्या हॉस्पिटल जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु और बच्चों की एक साधारणतः पाई जाने वाली बीमारी जिसे नाभिका हर्निया भी बोलते हैं या मेडिकल भाषा में अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ये जो सूजन होती है नाभि के ऊपर, कभी आती है कभी चली जाती है। पेरेंट्स यूजुअली यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब कभी आती है सूजन और कभी गायब हो जाती है। खास करके ये सूजन तब देखी जाती है जब बच्चा जो है रो रहा होता है या हाथ पैर हिला रहा होता है। जब वो शांति से आराम से बच्चा लेटा होता है तब मोस्टली ये जो सूजन है नहीं होती और नाभि जो है बच्चे की नॉर्मल दिखती है। ये जो सूजन होती है नाभि की, जिसे हम नाभिका हर्निया बोलते हैं, ये ज़्यादातर जब बच्चे की नाड़ा जो होता है मदर से कनेक्टेड, वो जब अलग हो जाता है तो जन्म के कुछ दिन बाद ये सूजन आती है और ज़्यादातर इस सूजन का पता 6 महीने तक की आयु में लग जाता है। पर कई बार ये ऐसा होता है, कुछ बच्चों में ये सूजन और लेट पेरेंट्स जो है नोटिस करते हैं और तब वो बच्चों के सर्जन के पास बच्चे को लेकर आते हैं इस दिक्कत के लिए। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि जिन बच्चों का जन्म के टाइम पे वज़न कम होता है, जैसे नॉर्मल वज़न 2.5 किलो होता है, उससे अगर जितना भी वज़न कम होगा तो उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है बच्चे को नाभिका हर्निया होने की। जैसे कि 1500 ग्राम से नीचे का अगर कोई बच्चा है तो उसमें 75% चांस है कि ये नाभिका हर्निया होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो हर 4 में से 3 बच्चों में नाभिका हर्निया हो सकता है अगर जन्म का वज़न 1500 ग्राम या इससे कम है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो ये नाभिका हर्निया होता है इससे क्या दिक्कत आ सकती है। पेरेंट्स के मन में ये सवाल अक्सर उठता है और हम लोगों से ओपीडी में पूछते भी हैं। तो अगर हम बात करें जो नीचे का हर्निया होता है, जिसे इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो जांग और पेट के बीच में गोली की जगह पे, उसकी बजाय जो अम्बिलिकल हर्निया है उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि इसमें कभी आंत बच्चे की फंसती है। पर उससे भी ज़्यादा डर होता है कि इसकी चमड़ी जो होती है ऊपर की, वो पतली पड़ के कई बार आंत उससे बाहर निकल आती है और उस केस में इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत नाभिका हर्निया के लिए पड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो नाभिका हर्निया होता है अगर टाइम के साथ बढ़ता जाता है, वो बहुत ही कम बच्चों में होता है, तो ये देखने में बहुत अजीब लगता है। जैसे कॉस्मेटिक अपीयरेंस की बात करें तो एक कंसर्न वो भी होती है, स्पेशली जब बच्चा बड़ा होता है तो वो खुद भी बुरा फील करता है कि उसके जो नाभि है वो नॉर्मल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस हर्निया की नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है। तो जो ज़्यादातर नाभि के हर्नियाज होते हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, स्पेशली जिनका साइज 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से जिनका डायमीटर कम होता है, वो यूजुअली सारे के सारे ही ठीक हो जाते हैं। और 2 साल के एज तक हम लोग वेट करते हैं हर्निया के अपने आप ठीक होने के लिए। नाभि के जो हर्निया 2 साल की आयु तक बच्चे में ठीक नहीं होते हैं उसमें ऑपरेशन फिर कर दिया जाता है, या रेयरली जैसा मैंने बताया कभी कि ऊपर की स्किन पतली पड़ गई या हर्निया बहुत बड़ा है। पेरेंट्स कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब हमें तो वेट नहीं करना, 2 साल देखने में बहुत अजीब लगता है, बच्चे को कपड़े पहनाने में भी दिक्कत आती है, जो कि बहुत कॉमन नहीं होता पर होता है कभी कभी। उस केस में ऑपरेशन फिर जल्दी करना पड़ता है और जैसा कि पहले बताया आंत के फंसने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। और ये जो नीचे का हर्निया है उससे अलग इसलिए होता है कि अपने आप काफ़ी सारे ठीक हो जाते हैं, नीचे का जो हर्निया वो अपने आप कभी भी ठीक नहीं होता है। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, जब भी कोई बच्चे को, लड़के या लड़की को नाभिका हर्निया हो तो आप जो है जब भी हो सके बच्चों के सर्जन का परामर्श लेके और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।